हाय, गुड इवनिंग। हाँ बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हमने पहला क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसमें का दे दिया है, जो अगले वीडियोस में था। अब इस क्वेश्चंस जो सेकेंड क्वेश्चंस है, इसका हम आपको बताने जा रहे हैं। किरचॉफ के नियम का प्रयोग इसमें किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस फिजिक्स का। किरचॉफ का नियम, पूरी थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा। इसके लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए, तब इस सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। पर हाँ, मैं ये सवाल बताने जा रहा हूँ, इस सवाल को बहुत ही लगन और दिल से जरूर देखिए इस वीडियो को। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था, इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि संलग्न परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा बताइए। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि ऐसा फिगर दे देता है बोर्ड उसमें, और आपको जानना पड़ेगा कि जब बैटरी लगाया जाता है, तो बैटरी जब लगाते हैं, तो बैटरी से जो प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो करता है, तो इसलिए इसमें बंद पास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और किरचॉफ का इसमें दूसरा नियम लग रहा है, किरचॉफ का दूसरा नियम यानी वोल्टता का नियम और एक धारा का नियम होता है, तो हम इस नियम को लगाएंगे, जिसे आप ओपन और क्लोज, बंद पास और का नियम आप जानते हो, जो धारा से संबंधित है वो आपका ओपन है, और जो बंद पास होता है वो दूसरा नियम लगता है किरचॉफ का। तो किरचॉफ का नियम में क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगता है, समेशन आई आर इक्वल टू ई, यानी उस टर्मिनल का जो प्रत्येक बनने वाली धारा होगी और प्रतिरोध का गुणनफल, संगत गुणनफल का योगफल जो होता है, उस परिपथ के प्रत्येक विद्युत वाहक बलों के योगफल के क्या होगा, बराबर होता है। तो इस नियम को लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देर ना करें और इस क्वेश्चन को लगाते हैं, चित्रानुसार चलते हैं। चित्रानुसार चल रहे हैं, तो इसमें देखते हैं, हमारा एक पास ये बन रहा है, फर्स्ट पास इस ऐसे धारा ऐसे इस लूप में चल रही है, और सेकेंड पास में भी धारा आपका इस कैटेगरी में चल रहा है। तो हम लिखेंगे बंद पास ABEFA में इसमें चलते हैं। तो हम किरचॉफ का पहला नियम लगाते, दूसरा नियम लगाते हैं, तो 4 × I1 प्लस, क्योंकि देखिए डायरेक्शन सीधा है, इसलिए प्लस होगा 5 × I1 + I2। ये करंट कहां से I1, क्योंकि यहां से I1 और यहां से I2 जाता है, तो इस ज्वाइनिंग हो जाता है, इन दोनों के जो इस संधि मिल जाती है, तो वहां पे धारा जो है दोनों का मिल जाता है, I1 + I2 हो जाता है, और इसमें विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, 3 होता है, इसको 3 रखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 4 I1 + 5 I2 = 3। यहाँ जगह 9 I1 + 5 I2 = 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हम जो बंद पास हमारा 2 है, जिसमें धारा बन रही है 2 वाला, उसको निकालते हैं। इसी प्रकार आपका बंद पास ले लेते हैं वहां से CBEBC में, उसको भी लगाते हैं, तो I2 का गुणा हो जाता है 2 में, और प्लस हो जाएगा 5 × I1 + I2, और इज इक्वल टू हो जाता है 1, क्योंकि वही करंट फ्लो कर रहा है, 2 I1 + 5 I2 = 1। सॉरी, यहाँ पे 2 था, तो ये आप सबका 5 I1 + 7 I2 = 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को
हल करने का। हल कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हल बहुत ही आसान तरीके से होगा। आप इसमें अगर 5 गुणा कर देते हैं तो इसमें 9 गुणा करेंगे हल करने पर। तो आप अब प्रक्रिया आपका आपके ऊपर है, आप दोनों का मान को हल करिए, सॉल्व करिए। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार से सॉल्व होगा, हम 5 गुणे कर लेते हैं, हम समीकरण एक में 5 गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 9 × 5 = 45 I1 प्लस इसमें 25 I2 और ये हो जाएगा 15 = 15 इक्वेशन नंबर 3। और फिर हम नंबर इक्वेशन 2 में 9 का गुणा कर देते हैं, 9 × 5 = 45 I1 प्लस 9 × 7 = 63 I2 और = 9 क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, हम घटा देते हैं, घटाते हैं ऐसे, ये कैंसिल हो जाता है और इसमें से 63 - 63 है, 25 घट जाता है इसमें से, 25 घट जाता है इसमें से। तो नियर अबाउट कितना बचेगा, 38 बचता है, वो भी -38 होगा I2 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम घटाते हैं 15 - 6 बचता है तो I2 बराबर हो जाएगा 6/-38 एम्पियर, इतना करंट I2 होता है। अगर ये I2 आता है तो फिर हम क्या करते हैं, इस I2 का मान उठाकर हम किसी भी समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में I2 का मान रखने पर जब हम रख देते हैं समीकरण 1 में तो 9 I1 प्लस 5 गुणे 6/-38 और = 3 हो जाता है। तो 9 I1 प्लस सॉरी यहाँ से हो जाता है -30/38 = 3। इसको सॉल्व करना ही एक प्रॉब्लम होता है, तो इसको सॉल्व किया जाता है, 9 I1 is equal to 3 + 30 + 38। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं तो 9 I1 is equal to हो जाता है, 38 से ले लेते हैं, 114 हो जाता है, 114 + 30 9 I1 is equal to हो जाएगा 144/38। सोलह नवा 144 होता है, 16 से कट गया, 16/38 आ जाएगा एम्पियर, 16/38 जो I1 का मान आया है वो है 16/38 एम्पियर। अब ये कह रहा है कि I1 I2 मुझे पता चल गया, I1 4 ओम के प्रतिरोध में बढ़ रहा है, I2 आपका 2 ओम के प्रतिरोध में है पर 5 ओम के प्रतिरोध में, तो यहां लिखेंगे क्या, इसी प्रकार हम ले लेते हैं, इसी प्रकार 5 ओम में बहने वाली जो धारा होगी वो होगा I, धारा होगा I1 + I2, दोनों को जोड़ देते हैं, I1 मेरा 16/38 है और I2 जो आया है वो है -6/38। तो इसको हल करते हैं तो 16 में से 6 गया, आपका 10/38 हो जाता है, 10/38 एम्पियर जो आपका धारा होगा 5 ओम में बहने वाली धारा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को इसको हल करना है, जो किरचॉफ के नियम का दूसरा नियम यूज करते हैं और ऐसे ही सॉल्व करते रहते हैं।
ऐसे ही आप भी कुछ प्रश्न को हल करिए, सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे जरूर पूछिए और हमारे वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिए। आप लोग शेयर लाइक नहीं करते हैं ये सही नहीं है। आप लोग हमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड भी करते रहिए, इससे कि और बच्चों को फायदा हो जाए। ओके, बाय बाय।